नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहा शराब मिनी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भी बरामद किया है, साथ ही दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवशंकर जुड़ गए हैं। जी शिवशंकर, क्या है पूरा मामला? अवैध रूप से शराब मिनी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जी मैं बता दूं कि जमशेदपुर के सहायक उत्पाद विभाग द्वारा निर्देश दिया गया था कि बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में कैरेज कॉलोनी चूना भट्टा के कब्रिस्तान के समीप अवैध रूप से विदेशी शराब का मिनी फैक्ट्री चलाया जा रहा है। इसी निशानदेही पर छापामारी की गई उत्पाद विभाग द्वारा, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब विभिन्न ब्रांड के बरामद किए गए हैं। जी, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी शिवशंकर, गिरफ्तार व्यक्ति ने क्या कुछ कबूला है? क्या पुलिस उससे कुछ जानकारी उपलब्ध कर पाई है? जी गिरफ्तार व्यक्तियों से लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि इस संबंध में उत्पाद विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, मगर कुल विभिन्न ब्रांडों के 144 पेटी शराब बरामद किया गया है। लीटर की बात करें तो 1291.68 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। साथ ही साथ विभिन्न ब्रांड के 500 खाली बोतल भी बरामद किए गए हैं। संचालक फरार बताए जा रहे हैं। जी शिवशंकर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में वर्मा माइंस थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहा शराब मिनी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज। नमस्कार।